नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 21 साल पहले एक कपल के साथ एक ट्रिप के दौरान ऐसी घटना घट गई कि जैसी कहानी आज भी आप सुनेंगे ना तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। ये बहुत खौफनाक घटना है। आइए जिया की ज़ुबानी इसी कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 21 साल पहले घटी थी शिवगंज नाम के एक छोटे से गाँव में। उस गाँव में ये घटना घट जाएगी, वो जो कपल है वहाँ पर पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि ये जो कपल है, सबसे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। प्रदीप नाम के आदमी, उनकी पत्नी सुनीता, ये दोनों बनारस शहर में हमेशा से रहा करते थे। इनकी शादी भी वहीं पर हुई थी। प्रदीप का घर भी बनारस में ही था और सुनीता का घर भी बनारस में ही था, और इनकी शादी भी हुई, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी हुई जिसका नाम इन्होंने मीरा रखा। तो इन लोग की फैमिली, हैप्पी फैमिली हमेशा से बनारस में रहा करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आज से 21 साल पहले कि प्रदीप के पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। शायद अब वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे, ऐसा वाला टाइम चल रहा था। तो वो अपने बेटे यानी कि प्रदीप को अपने पास बुलाते हैं और पास बुला के बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत सालों से नहीं बताया हूँ, और बहुत साल से हमने उस जगह को छोड़ भी दिए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ उस जगह को याद रखे और वो जगह अपनी ही जगह है, अब अपने हाथ में आ जाए। तो ये बोलते हैं प्रदीप जी कि क्या पिताजी, आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी बोलते हैं, बेटा यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम शिवगंज है। उस गाँव में अपनी एक पुश्तैनी बहुत ही पुरानी हवेली है, बहुत ही बड़ी आलिशान हवेली है। अगर तुम चाहो तो उस हवेली को बेच भी सकते हो, क्योंकि अपने नाम पर ही है, सब कुछ अपना ही है। या चाहो तो तुम वहाँ पर उसको किराए पे दे दो, या तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे रह भी सकते हैं। मैं इतने साल से इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अपना सब कुछ काम वाम यहीं पर था, अपनी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अच्छी खासी काफ़ी थी, अपन अच्छे खासे अमीर थे यहाँ पर भी। तो मैंने नहीं सोचा था कि गाँव में जाना चाहिए उस हवेली को लेने के लिए, और वैसे भी वो हवेली अपने नाम पर है, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता आज के डेट में। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अपने ख़त्म होने से पहले तुमको बता दूँ, अगर तुमको चाहिए तो तुम बेच सकते हो, जो भी करना तुम देख लेना। तो प्रदीप जी बोलते हैं, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, और देख लेंगे ना, अपनी हवेली है ना, कभी भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ बेटा, मेरे जाने के बाद तुम जाना ज़रूर वहाँ पर, मैं चाहता हूँ, मेरा बचपन वहाँ पर गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी जाए उस जगह को देखे, क्योंकि तुमने कभी उसको देखा नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि एक बार इस दुनिया को छोड़ने से पहले उस हवेली में जाऊँ, घूमूँ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, हमेशा काम वाम में ही लगा रहा, हमेशा सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। लेकिन अब आखिरी वक्त आया है तो मैं चाह रहा हूँ देखने के लिए, फिर भी जाने की हालत नहीं है, क्योंकि वो बेड पे थे। तो प्रदीप जी बोलते हैं कि हाँ पिताजी, मैं आपको लेके जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हम गाड़ी करेंगे और गाड़ी करके लेके चले जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो बोलते हैं प्रदीप जी के पिताजी कि नहीं बेटा, जा तो नहीं पाऊँगा, जाते जाते पता चला बीच में ही ख़त्म हो जाऊँगा, फिर तुमको परेशानी हो जाएगी। ये बोलते नहीं नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लो, हम कल ही अपनी गाड़ी निकलवाते हैं, ड्राइवर बुलाते हैं, और कल ही हम उस गाँव की उस हवेली में चलेंगे, आपकी आखिरी इच्छा है ना, पूरा ज़रूर करेंगे। ऐसा ही होता है, ये अपने पूरे फैमिली की पैकिंग करना चालू कर देते हैं, पूरी फैमिली पैकिंग करते हैं कि अब दूसरे दिन सुबह सुबह पिताजी को लेके अपने गाड़ी में बैठा के उस गांव की हवेली में लेके जाएंगे। लेकिन सुबह तो होती है, सब जागते तो हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी के पास जाते हैं, क्या पाते हैं कि पिताजी इस दुनिया को छोड़ दिए हैं, ख़त्म हो गए। उनकी उम्र भी हो गई थी, उनकी हालत भी सही नहीं थी, और उनको लग भी रहा था कि मैं शायद ख़त्म होने वाला हूँ, तभी तो इतने साल पहले की पुरानी हवेली उनको याद आई। मरने के टाइम पे इंसान को बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, इनके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। तो अभी प्रदीप जी बहुत रोते होते हैं, सब लोग बहुत रोते गाते हैं कि कैसे पिताजी चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जो मीरा इनकी बच्ची थी, वो भी अपने दादाजी से बहुत कनेक्ट थी, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, वो भी बहुत रोती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार करने के बाद पूरा इनका काम क्रिया होता है, 12-13 दिन का जो भी रिचुअल रहता है। उसके बाद एक दिन रात में सोए हुए थे प्रदीप जी, अपनी पत्नी सुनीता से क्या बोलते हैं कि पिताजी की आखिरी इच्छा थी उस हवेली में जाने की। पिताजी ने बोले भी थे कि एक बार जाना, तुम घूम के आना, तो क्या करें, चले क्या अपन, थोड़ा घूम के आएंगे।
पूरी फैमिली के साथ माता जी को, बेटी को, सबको लेके चलते हैं। तो सुनीता बोलती है कि नहीं 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 माता जी की तबीयत ख़राब है और पिताजी अभी गुजरे हैं, उस चीज़ को भुला नहीं पाएंगी वो, और उतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकती वो, और अपनी छोटी सी बच्ची मीरा को कहाँ लेके जाएंगे। ये बोलते हैं ठीक है तो हम ही चलेंगे, पैकिंग तो है ही सब कुछ, अपना सामान वामान। ये लोग दूसरे दिन बात करते हैं, प्रदीप जी अपने माता जी से बोलते हैं कि मीरा को अपने पास आप रखो और हम लोग वो हवेली देख के आते हैं, पिताजी की आखिरी इच्छा थी। माता जी भी ज़्यादा रोकती नहीं है, बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ। ये लोग निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस गांव में, उस शिवगंज नाम के गांव में। लेकिन ये लोग पहुंचे थे रात के तकरीबन 9:30-10 बजे करीब, और उस गांव में पहुंचे, अपने हवेली का एड्रेस थोड़े बहुत लोगों से मांगने की कोशिश की। 21 साल पहले लोग बहुत सो जाया करते थे, लेकिन एक आदमी जो था, जो कहीं शायद बाज़ार से कुछ काम वाम करके आ रहा होगा, लेट हो गया होगा, उससे पूछे थे कि हवेली के नाम बोल के कि हवेली कहाँ पर पड़ेगी। तो वो आदमी बोलता है वो तो हवेली बहुत पुरानी है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो आप, उस वहाँ पर तो कोई रहने भी नहीं आता है। और गांव वाले लोग बोलने लगे हैं कि अब तो उस हवेली में भूत रहते होंगे, इंसान कहाँ रहेंगे, इतने साल से बंद है, मैं भी बुढ़ा हो गया और मैंने भी उस हवेली में कभी किसी को रहते हुए देखा नहीं, जवानी से बुढ़ापा आ गया मेरा। तो वो बताते हैं प्रदीप जी कि मैं ही उस हवेली का मालिक हूँ, वो हवेली हमारे पिताजी और उनके पूर्वजों की है, हमारी पुश्तैनी हवेली है वो। तो वो आदमी बोलता है अच्छा आपकी हवेली, अच्छा माफ़ कीजिएगा मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई नहीं था, अभी कोई कैसे आएगा। तो प्रदीप जी बोलते हैं कि हाँ वो हवेली आप मुझे दिखा सकते हो। वो आदमी अपनी साइकिल लिया हुआ था, वो साइकिल के साथ इनको दिखाने के लिए हवेली पहुँच जाता है। हवेली तो पहुँचता है, ये लोग हवेली में जाते भी हैं, टॉर्च लिए हुए थे, पूरा टॉर्च मार के पूरी हवेली की हालत देखते हैं। हवेली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि आज रात ये लोग उस हवेली में नहीं बिता सकते थे, बहुत ख़राब हालत थी, जर्जर हालत में, इतना मिट्टी, पूरा झोल, पूरा सब कुछ, ऐसा नहीं कि पूरा टूट फूट गया था, ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने की बनी हुई हवेली थी, एकदम स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी, वहाँ पे कुछ सो बैठ नहीं सकता, ऐसी हालत थी। ये लोग उस आदमी से पूछते हैं कि कोई होटल या कुछ है जहाँ पे गेस्ट रूम, जहाँ पे हम रुक जाएं। तो आदमी बोलता है कि एक होटल तो है, यहाँ से आप सीधे सीधे जाओगे रोड से तो एक दायां पड़ेगा, वो दायां आप जाओगे तो होटल मिलेगा। तो लेकिन उस होटल के बारे में कोई सही बात नहीं करता। ये बोलते हैं क्या सही बात नहीं करता, वो आदमी बोलता है कि अगर कोई भी उस होटल में रहने के लिए, एक रात गुजारने के लिए भी गया, तो वो इंसान उस होटल से कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो एक भूतिया होटल है। तो प्रदीप जी हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम तो हमारी हवेली के बारे में बोल रहे थे, अब तुम उस होटल के बारे में बोल रहे हो, चलो चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद अंकल जी, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, आप बहुत शुक्रिया। ये प्रदीप जी अपनी पत्नी सुनीता के साथ हंसते बोलते उस होटल तरफ निकल जाते हैं। बोलते हैं तो कुछ भी बात कर रहा था, ये आदमी खिसका हुआ था क्या, हमारी हवेली को भूतिया बोल रहा था, उस होटल को भी भूतिया बोल रहा है, कुछ नहीं होता है। सुनीता जी बोलती है हो सकता है बोल रहा है तो कुछ सच्चाई होगी बात में। ये बोलता है कुछ नहीं होता, चलते हैं ना अपन। ये लोग उस होटल की तरफ निकलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम ही पुराने ज़माने का होटल बोलो, गेस्ट रूम बोलो, जो भी बोलो उसको, एकदम पुराने ज़माने का होटल गेस्ट रूम है वो, एकदम पुराने ज़माने का। और उस होटल का नाम एक अलग नाम था, जैसा कि अंग्रेज़ लोग जब यहाँ पर रहने के लिए आए होंगे उन्होंने बनाए होंगे अपने नाम पे, ऐसा होटल का नाम था, मतलब इंडियन होटल का नाम नहीं था। और उसका डिज़ाइन भी और उसका सब कुछ देख के लग रहा था कि इंडियन तो हो भी नहीं सकता, अंग्रेज़ों के ज़माने का एकदम पुराना होटल। उसकी हालत बाहर से थोड़ी ख़राब ही लग रही है, जर्जर हालत लग रही है, एकदम ख़राब हालत लग रही है। तो सुनीता जी बोलती हैं कि क्या यहाँ पर अपन रुक पाएंगे आज रात में, हालत तो देखो इस होटल की कितनी ज़्यादा ख़राब लग रही है। प्रदीप जी बोलते हैं क्या करना, क्या अपन को एक रात तो रुकना है, एक बेड साफ़ मिल जाए उसी पे सो जाएंगे और सुबह सुबह अपनी हवेली साफ़ करवा लेंगे, वहीं रुक जाएंगे रुकना होगा तो। बोलती है वो बात भी सही है। ये लोग उस होटल के अंदर एंटर करते हैं, जैसे उस होटल के अंदर एंटर करते हैं, जो बाहर एकदम एंट्रेंस वाला एरिया जो था ना, उसी एरिया में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, एकदम बूढ़ा सा आदमी जिसकी कमर भी ऐसे झुक गई थी, बिल्कुल इतना बूढ़ा था वो। प्रदीप जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं अंकल जी, चाचा जी, क्या यहाँ पर रुकने को एक रूम मिल जाएगा, हमें रुकना है यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि
हाँ, बबुआ मिल तो जाएगा, बहुत रूम खाली है, आप बोलो तो सही, रुकना है क्या आपको? तो ये बोलते हाँ, रुकना है हमको। तो बोलता है कि ठीक है, ये लो चाबी, रुक जाओ। तो ये बोलते कितना चार्ज कितना होगा इसका? बोलता है बूढ़ा, आपको जो मन करे दे देना, ये तो पड़ा ही रहता है यहाँ पर, कोई ज़्यादा आता जाता है नहीं, आपको जो भी ठीक लगे, ऐसे ही तम्बाकू बीड़ी के लिए थोड़ा सा दे देना, मेरा हो जाएगा, इतना क्या सोचना है, ऐसा वो बूढ़ा आदमी बोल देता है। ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बूढ़ा आदमी है, गरीब है, अपन इसकी मदद कर देंगे, सुबह सुबह ज़्यादा ही दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हमको रुकने के लिए एक रात दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल बात नहीं है। ये लोग चाबी लेते हैं और जो रूम नंबर की चाबी उसने दिया था, उस रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, रूम की हालत तो ठीक थी, मतलब एकदम साफ भी नहीं बोलेंगे और एकदम गंदा भी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल हालत थी। ये लोग जाते हैं, अपना सब सामान वामान रखते हैं और सोचते हैं कि मुँह हाथ धो के सो जाते हैं। जो भी चीज़ें खाने वाने के रखे थे वो थोड़ा बहुत खा लिए थे रास्ते में ही, सो जाते हैं, काम करते हैं, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अभी ये सोए ही होंगे, लगभग रात के 1:15 करीब, इनको इनके बाहर वाले एरिया से, कॉरिडोर से, किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है सुनीता जी को। वो अचानक झटके में आँख खोलती हैं और उस आवाज़ को नोटिस करने लगती हैं। कॉरिडोर में कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, फिर कोई भाग रहा है, फिर कोई जा रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है नॉनस्टॉप, कोई बहुत ही भारी जूते पहना हुआ और भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कर रहा है। ये अपने पति को उठाती है, बोलती है प्रदीप उठिए जरा। ये बोलते हैं कि क्या हुआ? देखिए ना, कोई बाहर भाग रहा है बहुत टाइम से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। प्रदीप जी बोलते हैं कौन कौन भाग रहा है? ये बोलती है सुनिए तो सही। प्रदीप सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सुनीता बोलती है अभी आ तो रही थी, आप उठे तो आवाज़ बंद हो गई। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है तुम बहुत थक गई हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, तुम सो जाओ, कुछ नहीं आवाज़ आ रही है। वापस दोनों सोने चले जाते हैं। अभी जैसे ये लोग सोने गए हैं, अभी जस्ट 2 या 1.5 मिनट ही हुआ होगा, अचानक से इनके रूम का दरवाजा ढक 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 कर कोई बजा रहा है। बड़बड़ा के उठते हैं, प्रदीप जी भी, सुनीता जी भी उठती हैं, दोनों उठते हैं, जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं क्या पाते हैं? बाहर कोई भी नहीं है, पूरा कॉरिडोर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ दूर लालटेन लटक रही है, उसकी रोशनी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये और टेंशन में ये बोलते हैं कि कौन है भाई जो दरवाज़ा बजा के भाग गया और दिख नहीं रहा है। ये वापस दरवाज़ा बंद करते हैं और वापस अपने बेड पे आके लेट जाते हैं। सुनीता जी बोलती है कुछ ये अजीब बात नहीं है कि मतलब कोई दौड़ रहा था, मैंने सुनी कोई दरवाज़ा बजा के गया और अभी हमने खोला तो कोई कुछ दिखाई भी नहीं दिया, ये नॉर्मल बात नहीं है। प्रदीप जी बोलते हैं जो भी हो अब हम सो जाते हैं, कर भी क्या सकते हैं, अगर कोई हमारे साथ मजाक भी कर रहा है तो हम क्या करें फिर, वैसे भी गांव वाले भूतिया भूतिया बोलते हैं, हो सकता है मजाक कर रहे होंगे। ये वापस सोने जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोने वापस जाते हैं वैसे ही इनके दरवाजे के बाहर से जोर जोर से वापस दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ के साथ साथ बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। बहुत ही जोर जोर से कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। ये घबरा के उठ जाते और दरवाज़ा खोलने जाते हैं, लेकिन अब इनका दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करते हैं दरवाज़ा की कुंडी खोलने की, लेकिन दरवाज़ा अब खुल नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से नॉन स्टॉप चीखने चिल्लाने की, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये घबरा जाते हैं, ये अपना टॉर्च ले लेते हैं। प्रदीप जी बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ निकलने का इस रूम से, ये कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, कौन चीख रहा है चिल्ला रहा है, कोई किसी को मार तो नहीं रहा, हम फंस जाएंगे, हम निकलते हैं यहाँ से, वैसे भी हम शहर से आए, हमको गाँव के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये बहुत कोशिश करते दरवाज़ा खोलने की, दरवाज़ा तो नहीं खुलता है, लेकिन इनके कमरे से, इनके बेड के तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई पैर घसीट घसीट के चल रहा है, बहुत ही बुरी तरह से पैर घसीट के चल रहा है। ये बहुत टेंशन में आते हैं, अपना टॉर्च उधर मारते हैं, लेकिन टॉर्च अचानक से बंद हो जाता है। वापस टॉर्च चालू करने की कोशिश करते हैं, बंद चालू हो रहा है, टॉर्च उनका जल नहीं रहा अच्छे से, जैसे खराब होने टाइम पे होता है ना टॉर्च, वैसा हो गया है। ये वापस से टॉर्च मारने की कोशिश करते हैं, जैसे इनका टॉर्च जलता है और टॉर्च थोड़ा सा उधर मारते हैं, वैसे ही एक कोने में बैठ के तरफ इनको एक धुआं दिखाई देता है, एक अजीबोगरीब धुआं, वहाँ पर पूरा धुआं धुआं फैला हुआ है
और जैसे उस धुआं को नोटिस कर रहे होते हैं, वापस से इनका टॉर्च बंद, टॉर्च बंद। अब ये सोचते कि मेरे पास लाइटर हमेशा रखते थे, क्योंकि कभी कभी सिगरेट पीते थे, लाइटर ये चालू करते हैं और लाइटर की रोशनी से उस तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा है, उस लाइटर की रोशनी से देखने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से जो चांद की रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है उससे दिखाई दे रहा है कि जो धुआं अभी तक हमको दिखाई दे रहा था वो अजीबोगरीब भूतिया आकृति बन गया है। अजीबोगरीब, जैसा कि वो धुआं है लेकिन उसके हाथ पैर ऐसे अजीब से दिखाई दे रहे, अजीब से टेढ़े मेढ़े से। अब ये दोनों चीखना चिल्लाना चालू करती है, बहुत दरवाज़ा पीट रहे, ठोक रहे, खोलने की कोशिश कर नहीं खोल पा रहे। वो आकृति इनके तरफ भागते हुए आ रही है। ये बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत दरवाज़ा पीटने के बाद वहाँ पे एक चेयर रखी थी, चेयर से दरवाज़ा पे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। दरवाज़ा खुलता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है दोनों बाहर भागते हैं और बाहर भागते हैं। दोनों कहाँ कहाँ भागे नहीं पता, जहाँ जहाँ जिसको मिला दोनों उधर उधर भागे। और भाग के ये उस होटल से बाहर निकले, बाहर तो निकल गए लेकिन इनकी पत्नी सुनीता बाहर नहीं दिखाई दे रही है। अब अपनी पत्नी को ये पूरी जगह ढूंढ रहे, चिल्ला रहे चारों तरफ। अभी वो बूढ़ा आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहे, अपनी पत्नी को चिल्ला रहे हैं। वापस होटल के अंदर गए, हिम्मत करके, पत्नी को थोड़ी छोड़ सकते हैं भूत भाव के चक्कर में, हिम्मत करके अंदर गए। अंदर भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, उनकी पत्नी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। और पूरी रात चीखते चिल्लाते रहे, अपनी पत्नी को ढूंढते रहे, कहीं पर भी वो नहीं मिली। और सुबह के टाइम में गांव वालों के पास गए, गांव वालों से मदद मांगे और पूरे होटल में छानबीन कर लिए, पूरे गांव में छानबीन कर लिए, उनकी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और आज 21 साल हो गए, उनकी बेटी मीरा भी बड़ी हो गई है, उनकी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिली। कोई सुराग भी नहीं है? सुराग भी नहीं मिला। बताओ, इतना खौफनाक वो होटल था, उस आदमी ने भी बोला था और ये वो नहीं सुने थे, उस होटल में चले गए थे। नहीं, ऐसा सही में होता है, ऐसे में ना टाइम लूप में कोई फंस जाता है। कई बार ना टाइम पोर्टल खुलता है और हमको पता नहीं रहता है कहाँ टाइम पोर्टल खुला हुआ है। अगर हम उसको क्रॉस कर गए तो हम समय की एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाएंगे जो समय शायद हमारे साथ घट चुका है और उस समय में हम लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में कहीं या फिर अनदर डायमेंशन में। एक बहुत ही खतरनाक अनसुलझी गुत्थी है। ज़्यादातर टाइम पोर्टल नेगेटिव एनर्जीज की वजह से खुलते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई थी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये जो भी घटना की जानकारी है ना, मीरा की एक दोस्त है साक्षी, उसने लिख के भेजा है। और साक्षी ये बता रही थी कि मीरा के पापा अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, उन्होंने उसके बाद शादी भी नहीं करे, अपनी बेटी मीरा को अपने खुद के दम पे ही पाल पोस के बड़ा करे। हमने मतलब बड़ी दुखद दुर्घटना हुई इन लोगों के साथ। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आगे इनके जीवन में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।